तारा संचार के ज्योतिष संवाद कार्यक्रम में आप सबका फिर से स्वागत है। और दोस्तों अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों हृदय रोग भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में जितनी भी मृत्यु होती हैं उसका सबसे बड़ा कारण जो है वो हृदय रोग ही है। और क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में 2020 में 6,97,000 लोग हृदय रोग की वजह से उनकी मृत्यु हुई और हर 34 सेकंड में एक व्यक्ति अमेरिका में हृदय रोग से मरता है। जहां तक भारत का सवाल है, भारत की एक समस्या और भी विकट है और 30 मिलियन मतलब 3 करोड़ हार्ट पेशेंट इस समय इंडिया में हैं और हर साल भारत में 2 लाख हार्ट सर्जरी की जाती है। और उससे भी बड़ी ताज्जुब की बात है कि आजकल जो हृदय रोग है बहुत यंग लोगों में और ज्यादा होने लगा है। और कहते हैं जितने भी जो हमारे हार्ट पेशेंट्स हैं उसमें से 25% जो है वो 40 साल से कम के हैं। और ज्यादातर लोगों को तो पता भी नहीं होता कि वो हार्ट हृदय रोग से पीड़ित हैं, क्योंकि 40% लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि उनको हृदय रोग भी है। और कहते हैं कि जितनी भी पूरी दुनिया में मृत्यु होती है हृदय रोग से उनका 1/5 जो है वो भारत में होता है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ साल पहले स्टडी की थी और उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया वो बहुत एक हम लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कुछ सालों में भारत में जो हार्ट एलिमेंट के पेशेंट होंगे या हृदय रोग के पेशेंट होंगे वो बहुत ज्यादा होंगे और करीब करीब भारत का हर व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित होगा। और हम देखते भी हैं आजकल की छोटे छोटे यंग बच्चे जो हैं उनको भी बाईपास सर्जरी हो रही है, स्टंट डाले जा रहे हैं। तो आज समस्या जो है भारत में बहुत गंभीर है। बट हम ज्योतिष की बात करते हैं और दोस्तों शायद आपको नहीं पता कि ज्योतिष में जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है बहुत एडवांस्ड है और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की मदद से हम बहुत सारे रोगों पर काफी हद तक काबू कर सकते हैं। और ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जिसकी वजह से हम जन्म के समय ही हमको पता लग जाता है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के किस समय में किस बॉडी के पार्ट में जो डिसीज होगी उससे पीड़ित होगा। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है, कोई मेडिकल साइंस ऐसा नहीं है जो आपके जन्म के समय बता दे कि इस व्यक्ति को किस बीमारी होने की संभावना, वो भी किस साल में है। ये सिर्फ आपको ज्योतिष ज्ञान ही बता सकता है। और ज्योतिष में जैसा हम जानते हैं कि हमारे जो 12 भाव होते हैं, जोडियक में 12 राशियां होती हैं और जो हमारा हॉरोस्कोप है, जन्म पत्री है, उसका अध्ययन करके हमें बहुत कुछ आइडिया लग जाता है कि इस व्यक्ति को किस बीमारी से पीड़ित होने की संभावना है। और आज हम हृदय रोग की बात कर रहे हैं और जब हमें पता लग जाता है कि ये व्यक्ति हृदय रोग से पीड़ित होगा और ये जन्म के समय पता लग जाता है। और अगर हम जन्म के समय से ही जो भी हमारी सावधानियां हैं, हमारे खाने में, पीने में, रहने में, सहने में, योगा है, मेडिटेशन है, कोई भी अगर मेडिकल हेल्प की भी अगर जरूरत है तो हम इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पा सकते हैं। और जहां तक हृदय रोग का सवाल है, जहां तक ग्रहों की बात है, सूर्य जो ग्रह है हमारा जो है वो हमारा जीवन शक्ति का ग्रह है जो हमारी हृदय से प्रभावित होती है। और कहते हैं कि अगर सूर्य की पोजीशन अगर आपके जन्मपत्री में बहुत अच्छी है तो आपका दिल बहुत वाइब्रेंट होता है, कभी भी आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर सन एफ्लिक्टेड है, सूर्य जो है वो अशुभ ग्रहों से पीड़ित है, तब आपको जो हृदय रोग होने की संभावना हो जाती है। जहां तक राशियों का सवाल है, जो सिंह राशि है वो हमारे हृदय को रिप्रेजेंट करती है और तभी जब ये राशि भी अफ्लिक्टेड होती है तभी भी हमें रोग होने की संभावना होती है। और जहां तक भाव का सवाल है, जो ज्योतिष में चतुर्थ भाव है वो हमारे हृदय को रिप्रेजेंट करता है कि अगर चतुर्थ भाव या जो कर्क राशि में भी अगर अशुभ ग्रहों का अगर उसके साथ एसोसिएशन है तभी भी किसी भी व्यक्ति को हृदय रोग से पीड़ित होने की संभावना होती है। और जहां पर लग्न का सवाल है, फर्स्ट हाउस का सवाल है, वो हमारी जनरल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो नेचुरली उसका भी जो है रोल हो जाता है। हमारे जो अगर कोई भी बीमारी हमें होनी है तो वो भी लग्न से भी हमें उसका संबंध होता है।
और ज्योतिष में छठा भाव जो है हमारी बीमारियों का भाव है, तो उस भाव को भी हमें अध्ययन करना पड़ता है कि कोई भी व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित हो सकता है। तो इन सब चीजों पर, जैसे मैंने कहा, सूर्य है, सिंह राशि है, चतुर्थ भाव है, कर्क राशि है, छठा भाव है, लग्न है, अगर इन सभी पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो व्यक्ति जो है वो हृदय रोग से पीड़ित हो सकता है। तो हमें शुरू से ही जो है वो कुछ जो प्रिकॉशन है, सावधानियां हैं, वो लेनी पड़ेंगी। और मैं आपको बता सकता हूं कि अगर हम शुरू से ही सावधानियां लेंगे तो हम कोई भी गंभीर समस्या है, कोई भी गंभीर बीमारी है, उस पर हम काफी हद तक काबू पा सकते हैं। लेकिन जो भी ज्योतिष में उपाय बताए गए, ऐसा नहीं होता कि आपको जब हार्ट अटैक हुआ तब आपने उपाय करना शुरू किए, शायद उससे कोई ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। फायदा ज्योतिष का जब भी है, जब हम शुरू से ही जो भी उपायों की जरूरत है, वी शुड मेक देम एज ए वे ऑफ लाइफ, एंड दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से दैट एस्ट्रोलॉजी इज ए वंडरफुल टूल फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। अब अगर हमें पता लगता है कि कोई भी हृदय रोग से पीड़ित है, और ज्योतिष में बहुत एक आसान उपाय बताए गए हैं और हर व्यक्ति उनको अपने जीवन में कर सकता है और करना भी चाहिए, और पहले हम लोग करते भी थे। और जहां तक हृदय रोग का सवाल है, सबसे पहले हमें सूर्य को नमस्कार करना है, सूर्य को अर्घ देना है। जब सूर्य का उदय होता है तो उस समय सूर्य को अगर हम अर्घ देंगे, और अर्घ देने के लिए भी अगर हम एक कॉपर या तांबे का बर्तन लेंगे, उसमें पानी रखेंगे और उसमें अगर हम कुछ दाने चीनी के, कुछ दाने चावल के और कुछ रोली के दाने जो उससे हम तिलक लगाते हैं वो अगर डालकर हम अर्घ देंगे तो डेफिनेटली हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, गायत्री मंत्र का जाप, अगर हम सुबह उठने के बाद और सोने से मतलब पहले अगर हम गायत्री मंत्र का अगर हम जाप करेंगे तो भी हमें उसका बहुत फायदा होगा। और सूर्य हमारे पिता को भी रिप्रेजेंट करता है, और अगर हम पिता का रेस्पेक्ट या आदर करते हैं और उनके द्वारा जो इस्तेमाल की गई चीजें हैं उनको भी अगर हम अपने पास रखेंगे या उनका इस्तेमाल करेंगे तो भी ये सूर्य ग्रह को शांत करने का बहुत अच्छा उपाय है। और अगर अच्छा भी ग्रह है तो वो और भी अच्छा हो जाता है। और हमें जो अन्न है बहुत लेट रात में नहीं खाने चाहिए, वो भी एक सूर्य का उपाय है। इसके अलावा अगर हम लाल रंग की बोतल में पानी रखकर जो दिन में उसको सन की रेस देकर अगर हम पिएंगे तो उसका भी हमें फायदा होगा। और हमें अपनी इच्छा शक्ति या जो हमारी, मैं कहूँगा विल पावर होती है, उसको हमेशा स्ट्रांग रखना पड़ता है। और कहते हैं कि वी शुड ऑलवेज कीप आवर मॉरल्स हाई अगर हमें सन का उपाय करना है। इसके अतिरिक्त सन का जो रत्न है वो रूबी है, जिसको हम माणिक कहते हैं, इसको भी हम पहन सकते हैं। लेकिन कोई भी रत्न पहनने से पहले हमें किसी भी जो विद्वान ज्योतिष की सलाह लेनी पड़ेगी। मैं फिर कहूंगा कि रत्न हमें अपने आप नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि रत्न पहनने से बहुत कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। तो अगर आपको जरूरत है माणिक रत्न की तो आप किसी भी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से सलाह लेकर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी कहा कि जो अगर हम गेहूं है, गेहूं को अगर हम डोनेट करें, दान करें कितनी भी गरीब लोगों को संडे के दिन खास तौर से, तो उसका भी हमें फायदा होता है। और इसके अतिरिक्त अगर सबसे अच्छा जो उपाय है कि हम जब दिन में खाना खाते हैं, लंच लेते हैं, तो उसके साथ साथ एक छोटा सा गुड़ का पीस, बहुत छोटा सा जो है, वो भी अगर आप खाएंगे तो वो भी एक सन का बहुत अच्छा उपाय है। और दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि अगर आप किसी विद्वान ज्योतिष को दिखाइए, और अगर कोई संभावना है किसी भी व्यक्ति को हृदय रोग से पीड़ित होने की, तो इन उपायों को, जो नॉर्मल उपाय हैं, जैसे मैंने कहा खाना पीना, रहना सहना, योगा मेडिटेशन या कोई मेडिकल हेल्प है, उसके अलावा अगर हम इन उपायों को भी अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप कभी भी जो है हृदय रोग से पीड़ित नहीं होंगे और आपका जीवन जो है बहुत स्वस्थ बना रहेगा। और इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। दोस्तों, अगले सप्ताह फिर किसी रोचक विषय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।